सर इंफोसिस का चार्ट देखिए, इन्फी का। देखिए इंफोसिस का चार्ट पे मैं देख रहा हूँ कि एक दो करेक्शन आया था, करेक्शन आने के बाद एक अपमूव आई थी, और इसमें आज के इसमें मैं आपने देखा रहेगा कि आज आईटी स्टॉक की वीक है, तो वो थोड़ा सा निफ्टी के लिए जो निफ्टी माइनस में दिखा रहा है उसका कारण एक ही है कि आईटी स्टॉक निफ्टी में वीक है, बाकी के सेक्टर के स्टॉक उतने ज्यादा वीक है नहीं, तो उसकी वजह से एक रेंज में ही चल रहा है, रेंज का ही थोड़ा सा निफ्टी ज्यादा बेरिश नहीं हो रहा है, सिर्फ आईटी स्टॉक वीक होने के कारण, तो ये मैं देख रहा हूँ या ये मैं समझ रहा हूँ, तो मेरी सलाह रहेगी इंफोसेंस में अगर जिन्होंने भी लोअर लेवल से लिया रहेगा उनके लिए एक बार के लिए एग्जिट करने की सलाह रहेगी। हाँ, जिसका काफी लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ऐसे स्टॉक आपके लिए बाइंग नहीं रहेंगे, अगर कोई लॉन्ग टर्म काफी लॉन्ग टर्म का सोच रहे तो, लेकिन अगर किसी ने शॉर्ट टर्म में रिसेंट में लिया रहेगा तो उनके लिए प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी इंफोसिस में से। सर अगर ट्रेडिंग करना चाहे तो कुछ अपॉर्चुनिटी निकलती है। हाँ ट्रेडिंग मतलब मैं समझ रहा है उसमें दो टाइप के रहते हैं, एक तो इंट्राडे होता है, एक तो शॉर्ट टर्म होता है, अगर वो शॉर्ट टर्म की सोच रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई पता नहीं, वो सेलिंग भी होता है ट्रेडिंग में, तो वो क्या भी उससे सोच रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का अगर बताओ कि किसी ने रिसेंट लेवल पे बाय किया रहेगा तो एक बार के लिए थोड़ा ऊपर है तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ठीक है। नहीं सवाल सर ये है कि क्या यहाँ पे कोई ट्रेड किया जा सकता है? अच्छा ट्रेडिंग का पूछ रहे हो, इंट्राडे है या पोजिशनल पूछ रहे हो? एक छोटा सा ट्रेड अगर कह रहे हैं कि कोई 50 60 70 पॉइंट का अगर कुछ स्कोप निकलता हो। तो हाँ आप सेल कर सकते हो या आप इसके पुट ले सकते हो, वो आप काम कर सकते हो, सेल कर सकते हो स्टॉक को इंट्राडे वाइज या शॉर्ट टर्म या पुट ले सकते हो, लेकिन अभी ये 1593 का लेवल चल रहा है तो यहाँ पे मैं देना चाहूंगा, यहाँ पे इसके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 1605 का, 1605 के स्टॉप लॉस से आप करंट लेवल पे सेल कर सकते हो, और आपका आने वाले दिनों दिन मतलब आज नहीं पता लेकिन अगर पोजिशनल करते हो, हेलो, हाँ पोजिशनल करते हो तो आपको 1550 के लेवल हो सकता है इस हफ्ते में देखने को मिल जाए इंफोसिस में।